ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमपिता परमेश्वर स्वरूप गुरु के चरणार बिंदों में हम सभी लोग नमन वंदन करते हुए आइए आज अपने जीवन को उस परमपिता परमेश्वर के चरणारविंदों में लगाएं, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो परम तत्व को समझने के लिए ही है। इसलिए परमेश्वर ने हमको ये मानव का तन दिया है। पारलौकिक और लौकिक दोनों शक्तियां हमको गुरु के द्वारा प्राप्त होती है। आज हम गुरु के महिमा, ताकि मनुष्य के जीवन में गुरु आवश्यक क्यों है और गुरु के माध्यम से क्या क्या हमें प्राप्त होता है। बड़ा ही सुंदर भाव है, क्योंकि यहाँ पर कई लोग भेद करते हैं गुरु सदगुरु। तो सर्वप्रथम जो मनुष्य के जीवन में शिक्षा उसे प्राप्त होती है, जो शिक्षा का बोध होता है मानव के जीवन में, तो वह जो है अपने गुरु के माध्यम से ही मिलता है। और गुरु के बगैर इस सृष्टि में कहीं कुछ भी नहीं है। इसलिए मानस की चौपाई से लेकर के तमाम जितने भी लोग हैं गुरु की महिमा का वर्णन किए हैं, गुरु का पूजन किए हैं, गुरु का अर्चन किए हैं, वंदन किए हैं। अंधकार से प्रकाश की तरफ जो ले जाए वो गुरु है। गुरु पद रज मृदु चूरन चारु हरत कठिन कलि दुख परिवारु। बड़ा ही सुंदर और अद्भुत भाव है कि गुरु पद रज, गुरु का चरणारविंद कैसा है, उसकी जो धूल है वो कैसी है, चूरन चारु। ये जो चूरन चारु का तात्पर्य है वो उसका आशय क्या है। हम अपने जीवन में नित्य प्रतिदिन कोई हनुमान चालीसा का पाठ करता है, कोई अपने गुरु से गुरु मंत्र लेता है, कोई कहीं गुरु तलाशता है, कहीं जिसे आज का बदला हुआ इंग्लिश नाम हम जिसे टीचर देते हैं, शिक्षक लोग हैं, टीचर हैं, लेक्चरार है, रीडर है, प्रोफेसर हैं, तो ये सब भी गुरु के रूप हैं। लेकिन सर्वप्रथम हमारे जीवन के वास्तविक गुरु कौन है? बोले प्रथम पाठशाला हमारे घर से आरंभ होती है। और प्रथम पाठशाला जो हमारे घर से आरंभ होती है उसमें माँ पहली गुरु है। माँ से शिक्षा मिलता है बालक को। माता पिता के जो संस्कार होते हैं उसमें सन्निहित होते हैं। और क्रमशः जब हमारा नामकरण होता है, नामकरण के बाद हमारे जीवन में फिर स्कूल में हम जाते हैं। पुरातन समयों में गुरुकुल में लोग जाते थे। गुरुकुल की परंपरा बड़ा ही सुंदर भाव है। गुरुकुल में बालक को छौर कर्म आदि करा करके यज्ञोपवीत करा दिया जाता था और पढ़ने के लिए लोग जाते थे। गुरु के सानिध्य में रह करके शिक्षा प्राप्त करते थे। 5 वर्षों तक 7 वर्षों तक बालक अपने माता पिता के घर में रहता था। बाद में उनको जो है कहाँ भेजते थे, बोले गुरुकुल में गए हैं। किस लिए गए? बोले शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए हैं। भगवान राम भी गए, कृष्ण भी गए गुरुकुल में। गुरु गृह गयउ पढ़न रघुराई अल्प काल विद्या सब पाई। यानी गुरु के गृह, गुरु गृह गयउ, जो गुरुकुल है, गुरुकुल परंपरा हमारी जो है शाश्वत सनातन परंपरा है, अनादिकाल की परंपरा है। आज जो हमारे बीच में परंपराएं हैं, मैं इस किसी भी परंपरा का विरोध नहीं करता हूं, लेकिन एक संदेश देना चाहता हूं कि हमारे गुरुकुल की परंपरा में राजा और रंक, चाहे जो भी व्यक्ति हो, सबके पुत्र एक समान पढ़ते थे, एक साथ सेवा करते थे, गो सेवा करते थे, गुरु की सेवा करते थे, कृषि का कार्य करते थे, धनुर्विद्या सीखते थे, साथ साथ योग करते थे, अलग अलग अस्त्र शस्त्रों की विद्या दी जाती थी। और इतना ही नहीं, वहाँ पर मंत्रोच्चारण, मंत्र विधि,
यज्ञ विधि, हवन पूजन आदि की विधियां बताई जाती थी, तो वो गुरुकुल की परंपरा है। आज जो बदला आधुनिक स्वरूप है, गुरुकुल से वो स्कूल हो गया है। तरह तरह के अपने अपने संप्रदायानुसार, अपने अनुसार लोग जो है उसका नामकरण कर दिए हैं, लेकिन जो गुरु की परंपरा थी, गुरुकुल की जो परंपरा है, उसमें जो लोग शिक्षा ग्रहण करते थे जा करके, उसका एक अलग आनंद है। तुलसी बाबा ने मानस की चौपाई में बड़ा सुंदर भाव प्रकट करते हुए कहा है कि भगवान श्री राम भी गुरुगृह गयउ, गुरु के घर गए शिक्षा ग्रहण करने के लिए। और अल्पकाल विद्या सब पाई, अल्प समय में उन्होंने सारे विद्याओं को ग्रहण किया। इसी तरह से हमारे जीवन में हमारे जो बच्चे हैं, हमारा जो समाज है, आज का जो बदला रूप है, जिसमें जो बच्चे आज के इस आधुनिक शिक्षा प्रणाली में लोगों ने डॉक्टर, इंजीनियर से लेकर के राजनीति की शिक्षा से लेकर के तमाम तरह की शिक्षा तो ग्रहण कर लिए, लेकिन लोगों के अंदर जो सदाचरण की शिक्षा थी, जो प्रेम की शिक्षा थी, जो सम्मान की शिक्षा थी, उससे जो युवा वर्ग, युवा पीढ़ी आज वंचित हो गई है, उसके लिए मानस की चौपाई ये संदेश दे रही है कि हमको अपने जीवन में अपने बालकों को कैसे शिक्षा ग्रहण कराना चाहिए, क्योंकि संस्कार सर्वोपरि है। सभी लोग, कृष्ण भी अपने गुरु संदीपनी के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए, पांचों पांडव द्रोणाचार्य के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए, कर्ण अपने गुरु परशुराम के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए, और परशुराम जी देवाधिदेव महादेव के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए। तो गुरु का बहुत अत्यंत सारगर्भित महत्व है। गुरु पद रज, गुरु का चरणारविंद का जो रज है वो कैसा है, बोला धर्म और अर्थ काम और मोक्ष को देने वाला है। गुरु पद रज मृदु चूरन चारु, हरत कठिन कलि दुख परिवारु। यहाँ कली का जो तात्पर्य है, जो आज के परिवेश में जिन लोगों का मन मुकुर मस्तिष्क पर तरह तरह की भटकाव की स्थिति आ गई है, जो अपने खुद के किए हुए कर्मों के माध्यम से भटक रहे हैं, परेशान हैं, जिनके चित्त में शांति नहीं है, जिनको आनंद की अनुभूति नहीं है, उनको समझाने के लिए, उन लोगों को, इन परंपरा को समझने के लिए गुरुकुल प्रणाली का होना बहुत जरूरी है। हम कहीं भी जाएं, चाहे आधुनिक परिवेश की शिक्षा हो या पुरातन समय की शिक्षा हो, हमें अपने शिक्षकों के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति आदर भाव और सम्मान को रखना है। और गुरु का भी धर्म बनता है, क्योंकि पुरातन समयों में किसी गुरु ने अपने शिष्य को, जैसा कि आज के परिवेश में हो गया है, गुरु शिष्य जो परंपरा है, जो प्रणाली है, स्टूडेंट और टीचर की जो प्रणाली आज बनी हुई है, ये लगभग लोगों के अंदर में बहुत सारी भ्रांतियाँ आ गई हैं, बहुत सारी दूरियाँ हो गई हैं। तरह तरह के लोगों के अंदर में आजकल लोग अपने बच्चों को लेकर के डरते हैं, टीचर जो है अपने स्टूडेंट से डरते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि सबका बाजारीकरण हो गया। पुरातन समयों में बाजारीकरण नहीं था। पुरातन समयों में जो लोग थे अपने गुरु के सानिध्य में रहते थे, और गुरु अपने शिष्य को पुत्र पुत्री के समान रखते थे और उनको शिक्षा प्रदान करते थे। इस तरह का भाव था हमारे भारत भूमि में, हमारे मनीषियों की परंपराओं में। आजकल की जो परंपरा चली हुई है, वह सारा का सारा सब कुछ व्यापारीकरण हो गया है। तो व्यापारीकरण की स्थितियों में लोगों ने शिक्षा तो ग्रहण किया, पर वो भी व्यापार की ही शिक्षा को ग्रहण किए, लेकिन संस्कार रूपी शिक्षा को भूल गए। इसलिए इस संस्कार रूपी शिक्षा को प्राप्त करने के लिए हमें अपने उन पुरातन मनीषी और गुरुओं की परंपरा को जानना नितांत आवश्यक है, क्योंकि भगवान जो देवाधिदेव महादेव है ना, उनकी भी गुरु आदि शक्ति है। आदि शक्ति से परे कुछ भी नहीं है, गुरु के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए जीवन का जो आनंद है, जीवन की जो अनुभूति है, वो गुरु के चरणारविंदों में है। तो गुरु की महिमा का बखान करते हुए, गुरु की परंपरा का बखान करते हुए, सिर्फ न तुलसी ने कहा है, कबीर ने भी बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया है कि किस प्रकार से अपने आप को उनके चरणारविंदों में रखना चाहिए। और जो भी प्रणाली हमारे सामने है, जो चीज़ें आधुनिक परिवेश में चल रही हैं, उसका किस तरह से सम्मान करते हुए लोगों को
आनंद की अनुभूति को प्रदान करना है। देखिए, मानस से पूर्व जो है, जब हम हनुमान चालीसा की बात करते हैं तो हनुमान चालीसा में भी सबसे पहले तुलसी बाबा ने किसका वर्णन किया, हम रोज पढ़ते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वरणौ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चारी। श्री अर्थात उस श्री रूपी सरोज पंकज कमल रूपी चरणार विंदों में नमन करते हुए, वंदन करते हुए हम अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। सरोज रज किस लिए कह रहे हैं, तुलसी बाबा कहते हैं कि निज मन मुकुर सुधारी, जो मेरा खुद का मन मुकुर है, जो मलिन हो गया है, उसकी सुधार करने की बात करते हैं, उसको सुधारने के लिए। तब बोले तो उसके बाद क्या मिलेगा, बोले वरणौ रघुबर बिमल यश, मैं रघुबीर के यश का, उनके चरित्र का गुणगान करूँगा। वो क्या देने वाला है, बोले जो दायक फल चार, जो चार फल को देने वाला है। वो चार फल क्या है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चार फल हैं मनुष्य के जीवन में प्राप्त करने के लिए। अब यहाँ पर दूसरे शब्दों में हम देखते हैं देवाधिदेव महादेव की जब बात करते हैं, गुरु बिनु भवनिधि तरयन कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। शिव जो देवाधिदेव महादेव हैं, उनकी भी गुरु कौन है, बोले आदि शक्ति है, जगत जननी जगदम्बा, संपूर्ण ब्रह्मांड की जो है गुरु है, संपूर्ण ब्रह्मांड की माँ है। क्योंकि मेरे भाई बहन एक बात स्पष्ट है जीवन में, कि जन्म देने वाली जो मेरी माँ है वो गुरु है, जन्म देने वाली जो मातृशक्ता है, जो माँ है वो जन्म देने वाली है। प्रथम पाठशाला हमारे घर से आरंभ होता है और क्रमशः हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो उस तरह से हमारी शिक्षा की प्रणाली बढ़ती जाती है। पुरातन समय में जो गुरुकुल की परंपरा थी, उसमें लोगों के अंदर शालीनता के साथ साथ डिसिप्लिन में कैसे रहना है ये सिखाया जाता था। अस्त्र का, शस्त्र का, तमाम तरह की विद्याएं प्रदान की जाती थी, धनुर्विद्या से लेकर के अस्त्र विद्या, शस्त्र विद्या, वैदिक पुराणों की विद्या, वेदांत की विद्या, उपनिषद की विद्या, और साथ ही साथ लोगों के अंदर में जो भाव प्रकट होता था, उन समस्त लोगों को बड़ा ही सुंदर आनंददायी, जितने भी लोग थे उस समय के गुरुकुल परंपरा वाले, सब परस्पर एक दूसरे का सहयोग करके चलते थे और एक दूसरे के प्रति जो आदर का भाव रखते थे, किस तरह से लोगों को जीवन में जीना है उनको सिखाया जाता था। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, गृहस्थ जीवन का पालन और वानप्रस्थ का पालन तथा साथ ही साथ संन्यास का पालन। हमारे यहाँ चार आश्रम का वर्णन मिलता है, इसमें जो है चार आश्रम व्यवस्था क्या थी, बालक जब जन्म ले लिया तो 25 वर्ष तक उसे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, अर्थात तपस्या करना है, विद्या अध्ययन करना है और अपने गुरुओं के सानिध्य में रह करके समस्त चीज़ों को सीखना है। यह हुआ लोगों के जीवन का ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, सबके नारी के प्रति सम्मान का भाव रखना, माता पिता भाई बहन सबके प्रति, समाज राष्ट्र के प्रति, तो ब्रह्मचर्य उनको इतना संपूर्णता के साथ सिखाया जाता था, आनंद के साथ, कि ब्रह्मचर्य व्रत में वो रत हो जाया करते थे। अब दूसरा जो है 25 वर्ष के बाद बोले गृहस्थ आश्रम, तो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए जब वो, अभी तक तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, तो गृहस्थ जीवन चलाना कैसे है, अतिथि सेवा कैसे करना है, धर्म पत्नी के साथ कैसे रहना है, पुत्र उत्पत्ति करना है आगे की पीढ़ी को चलाने के लिए, साथ ही साथ व्यापार कैसे करना है, विपणन में किस तरह से योगदान करना है, तो 25 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष की जो अवस्था होती थी, लोग अपने गृहस्थ जीवन को चलाते थे, उसमें पुत्र पुत्री को के माध्यम से, पत्नी के माध्यम से, समाज में गो सेवा से लेकर के, पृथ्वी का पालन करने से लेकर के, अतिथियों के सत्कार से लेकर के, और सभी को सुख दुख को बांट करके चलने का कार्य लोग किया करते थे और सब एक दूसरे का आदर सम्मान करते थे। यह हमारे गृहस्थ जीवन में रहने वाले लोगों के लिए, यद्यपि शास्त्र में कहा गया है कि गृहस्थ जीवन बहुत बड़ा जीवन है, क्योंकि गृहस्थ जीवन पर ही आधारित सन्यासी होते हैं, उसी पर आधारित गो विप्र धेनु सबकी रक्षा करने के लिए गृहस्थ जो है कृषि कार्य को करता था,
फल पत्र पुष्प धूप दीप नैवेद्य जल आदि अर्जन करने के बाद सभी का सेवा सत्कार करने का काम होता था। और 25 वर्ष की जो आगे की अवस्था होती थी, 50 से 75 वर्ष की जो अवस्था होती थी वह जो है वानप्रस्थ की अवस्था होती थी। ऐसे क्षणों में जो लोग होते थे वह अपने बच्चों को, जो राजा होते थे अपना उत्तराधिकारी युवराज को, या उनको अपने पूरे गृहस्थ जीवन के जितना भार होता था सब सौंप देते थे और वानप्रस्थ के लिए चले जाते थे। वानप्रस्थ का यहाँ जो तात्पर्य है तीर्थाटन के लिए जाना, ऋषियों मनीषियों के आश्रमों में जाना, वहाँ पर वेद पुराण उपनिषदों पर चर्चा करना, इसके लिए लोग जाते थे। और जो शेष जीवन होता था उसमें 75 वर्ष के बाद जो 25 वर्ष और अवस्था बचती थी वहाँ पहुँचने पर लोग जो है संन्यास आश्रम की ओर चले जाते थे। तो इस प्रकार जो है संन्यास ग्रहण करते थे लोग, अर्थात वानप्रस्थ गृहस्थ इन तमाम चीज़ों से मुक्त होकर के लोग कार्य को किया करते थे। ये शतायु 100 वर्ष की आयु इस प्रकार से बताई गई थी। लेकिन जो उस समय के ऋषि मनीषी प्राणायाम करते थे, ध्यान योगी थे, ये लोग कई वर्षों तक जीवन यापन करते थे, 100 वर्ष, 2 वर्ष, 500 वर्षों तक भी जीवन को यापन करते थे, क्योंकि उनको अपनी मृत्यु पर विजय प्राप्त हो जाता था। इच्छित मृत्यु का वरदान उनको मिला होता था, किसी को अपने मनीषियों के द्वारा मिला होता था, किसी को अपने गुरुजन के माध्यम से मिला होता था, कोई तपबल से अर्जन करते थे। लेकिन आज इस कली काल में, आधुनिक परिवेश में, भाग दौड़ में लोगों का जो जीवन है वो बहुत ही अस्त व्यस्त हो गया है। न लोगों के अंदर प्राणायाम है, न ध्यान है, न योग है। इस कारण से आज जो कली काल का प्राणी है वो अल्पायु हो गया है। अल्पायु होने के साथ साथ उनके जीवन में और क्या हो रहा है, तरह तरह के वो भ्रांतियों में जीने लगते हैं और नाना प्रकार के कई चीज़ों को उन्होंने अपने जीवन में ऐसे उतार रखा है जिसके कारण से वो स्वयं के खुद के किए हुए कष्टों के माध्यम से अपना जीवन को बहुत ही भयाक्रांत और व्याकुल बना लिए हैं। इस भयाक्रांत जीवन से बचने के लिए, अपने आप को सुंदर और सुदृढ़ करने के लिए, खुद को संभालने के लिए अपने जीवन में गुरु के बताए हुए गुरुमुखी परंपरा पर चलना नितांत आवश्यक है। क्योंकि यह जीवन, ये देखिए, हर लोग अपने अपने श्रेय का जो होता है लेते हैं, किंतु जहाँ तक देवताओं का श्रेय है, जहाँ तक मनीषियों का श्रेय है, कभी किसी लोगों ने अपने आप में श्रेय नहीं लिया। सब एक एक करके सारे लोगों ने श्रेय किसको दिया, उस समय के उन मनीषी को, उन साधुओं को, उन योगियों को उन लोगों ने श्रेय दिया है। ऐसा आनंदातिरेक जीवन है ये। गुरुपद रज मृदु मंजुलयन जन, अंजन जो तात्पर्य है इसका बड़ा अलग ही, अंजन का तात्पर्य है ज्ञान रूपी अंजन, जिसे चक्षु देख सके। हम भौतिकवादी संसार को तो देखते हैं, लेकिन परमार्थिक संसार को देखने के लिए भी हमारे अंदर जो भाव है उस भाव को प्रकट करने के लिए, अपने को समझने के लिए ये चलाना नितांत ही जरूरी है। मानस की चौपाई में हम चलते हैं, प्रवेश करते हैं। देखिए, भगवान श्री राम का जो जीवन है और भगवान श्री राम की कुंडली किसने बनाई, अब लोगों को सुन करके बड़ा आश्चर्य लगता है कि भगवान राम की जो कुंडली है किसने बनाई। भगवान श्री राम की जो कुंडली है वो रावण ने बनाई। अब प्रश्न इस बात का उठा कि महाराज दशरथ ने महर्षि वशिष्ठ के सामने एक बार, सभी लोग विराजमान जब थे तो उन्होंने प्रश्न रखा कि हम ऐसे व्यक्ति से कुंडली बनाना चाहते हैं जो सबसे बड़ा विद्वान हो। तो महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि इस वक्त ज्योतिष शास्त्र का सबसे अच्छा ज्ञाता कोई है तो वो रावण है। सभासदों की मीटिंग बैठी, विचार विमर्श हुआ कि रावण को बुलाने के लिए कौन जाए। तो विचार विमर्श यह हुआ कि महाराज दशरथ जाएंगे। दशरथ जी जब लंका नगरी में प्रवेश करते हैं तो रावण ने उनके सामने 3 प्रश्न किया कि महाराज दशरथ, आप राजा रावण से मिलने के लिए आए हैं या विप्र रावण से मिलने के लिए आए हैं। महाराज दशरथ ने कहा कि नहीं, मैं विप्र रावण से मिलने के लिए आया हूँ। उसने तत्क्षण राजकीय वस्त्रों का परित्याग करके विप्रवेश धारण किया और अयोध्या नगरी में चलने से पहले महाराज दशरथ से कहा,
कि हम एक शर्त पर आपकी नगरी में जाएंगे कि हमें और उस बालक को छोड़ करके और तीसरा कोई नहीं होगा। महाराज दशरथ ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया। रावण जब अयोध्या नगरी में आया महाराज दशरथ के साथ, तो आने के बाद में जैसे ही सभी लोगों की कुंडली बनाते हैं और राम के कुंडली की बारी आती है, तो कुंडली बनाते ही क्या देखता है, ये तो साक्षात भगवान विष्णु हैं। वहीं पर संवाद करते हैं, कहते हैं कि प्रभु मेरा पूरा परिवार मलेच्छ हो गया है, उसका उद्धार कैसे होगा। भगवान श्री राम ने कहा, तुम मेरा विरोध करना, हम सभी को मोक्ष गति प्रदान कर देंगे। रावण ने कहा कि जैसा आप कह रहे हैं प्रभु, ऐसा आप करेंगे। ओ भगवान श्री राम ने कहा कि अवश्य मैं पूरा करूंगा, क्योंकि हम जो वचन देते हैं, हम अपने वचनों से इधर उधर नहीं हट सकते हैं। इस प्रकार जो है रावण कुंडली बना करके चले आए। तो जीवन में कहीं पर भी किसी भी क्षण, चाहे वो ज्योतिष शास्त्र की हम बात करें, पुराण की बात करें या दर्शन की बात करें, सब एक दूसरे के अंतर्गत मर्यादा के साथ रहते थे। ये मर्यादा कहाँ से आई, ये गुरुकुल परंपराओं से मर्यादा आई है। अब सोचने की बात यह है कि उस समय का जो राक्षस कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी मर्यादा में चल रहा है, क्योंकि उसको थोड़ा बोध है कि मर्यादा के साथ कैसे चलना है। तो इस कलिकाल में जीने वाले जितने प्राणी हैं, इन सभी लोगों को अपने अंदर के कलुषतापन विचार को निकाल करके, जिसके जो भी गुरु हैं, जहाँ हैं, जैसे जिस अवस्था में हैं, अगर कहीं कोई गुरु नहीं है तो श्रीमद् भागवत का पारायण करके, मानस का पारायण करके अपने जीवन को धन्य करें, कृतकृत्य करें। क्योंकि लक्ष्मी भी उसी को प्राप्त होगी जो अपने जीवन को सदाचरण पर रत हो करके चलेगा। जो सदाचरण नहीं करेगा उसके जीवन में लक्ष्मी प्राप्त नहीं हो सकती हैं। और साथ ही साथ जीवन में एक बार भगवान विष्णु से माँ लक्ष्मी ने कहा कि इतना अगर हे विष्णु आप कर्म करेंगे तो आपको भी मैं छोड़ करके चली जाऊंगी। तो भगवान विष्णु ने कहा कि महामाया आप बताइए कौन ऐसा कर्म है जिसको करने से आप छोड़ करके चली जाएंगी। तो लक्ष्मी जी ने बड़े सुंदर भाव में स्पष्ट करते हुए कहा, कुचैलिनम दंतमलावधारिणम बहवास्मिनः निष्ठुरभासिनम च सूर्योदये चास्तमृतेर्सयानम विमुं चते श्री यदि च कृपाणी। कुचैलिनम, गंदा वस्त्र धारण करना, मैला वस्त्र धारण करना, दंतमलाव धारिणम, मुख को और तन को गंदा रखना। कुचैलिनम दंतमलाव धारिणम बहवा स्विनः निष्ठुर भाषिणम च, और वाणी जो कठोर बोलते हैं, जिनके घर में ऐसा कर्म होता है, सूर्योदय चास्त मृतिर सयानम, सूर्य भगवान उदित हो गए हो और अभी सो रहे हो, विमुंचते सिर यदि चक्रपाणी, हे चक्रपाणी आप ऐसा काम करेंगे तो आपको भी मैं छोड़ करके चली जाऊंगी। इस प्रकार महामाया माँ लक्ष्मी जो है भगवान विष्णु से कहती हैं। अतः सभी लोगों को अगर अपने जीवन में लक्ष्मी की प्राप्ति करना है और महामाया के प्रभाव को समझना है, तो कभी भी अपने जीवन में स्वच्छता के साथ, सुंदर और निर्मल भाव के साथ, आनंद युक्त होकर के अपने जीवन को साकार करने की आवश्यकता है। और बारंबार नमन करना है, वंदन करना है। कहने का आशय है कि तन को, मन को और अपने घर को अगर हम पवित्र रखेंगे और हमारे जीवन में अगर गुरु के बताए हुए मार्ग का अनुकरण करेंगे, तो न हमें धन की कमी होगी, न लक्ष्मी की कमी होगी, और न ही हमारा जो जीवन है वह किसी भटकाव में आएगा। इस संसार में भटकते हुए प्राणियों का एक ही संसाधन है, एक ही धाम है, वो परम ब्रह्म परमेश्वर का धाम है, वो विष्णु का चरणारविंद है। उन चरणों की का जो है धूल प्राप्त करके, उन चरणों का अनुभूति करके हम सभी लोग अपने आप को कृतकृत्य करें, अपने आप को धन्य करें, क्योंकि यह जीवन बड़े ही सुमधुरता के साथ चलने की आवश्यकता है। और इस जीवन को चलाने के लिए लक्ष्मी का एक युग में नहीं, अनादिकाल से हर युग में इसका प्रभाव रहा है। कभी कोई यज्ञ करने के लिए चला, तब
कभी कोई दान करने के लिए चलेगा तो, घर गृहस्थ जीवन को चलाना है तो, या किसी भी काम को करना है तो लक्ष्मी की आवश्यकता होती है। और लक्ष्मी देवी को प्राप्त करने के लिए देखिए दो प्रकार की लक्ष्मी है, एक धन रूपी लक्ष्मी और एक श्री देवी। तो श्री देवी और ये धन, धन के माध्यम से तो हम व्यापार करके भौतिक संसाधन खरीद लेते हैं, लेकिन जिनको श्री चाहिए वो परम ब्रह्म परमेश्वर विष्णु के चरणारविंदों में बैठ करके उनके साथ उनका जप तप और ध्यान करें तो जहाँ विष्णु हैं वहाँ लक्ष्मी है, और जहाँ लक्ष्मी है वहाँ विष्णु है, उनके जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कोई न परेशानी होगी न किसी चीज़ का अभाव होगा। इसलिए अपने जीवन में श्री विद्या को, लक्ष्मी को, अपने घर में धर्म पत्नी हो या कोई भी स्त्री हो, कहीं की भी स्त्री हो, उसके प्रति सम्मान का भाव रखना है, क्योंकि पता नहीं किस रूप में कौन सी लक्ष्मी किसको मिल जाए और किसका जीवन साकार हो जाए। इसलिए सभी जगहों पर जहाँ भी देखिए हर स्थानों पर अपने आप को स्वयं की अनुभूति के साथ चलाने के लिए श्री देवी की उपासना करते रहना है, और निरंतर सबके अंदर भावों को प्रकट करते हुए बारंबार भगवान विष्णु और महामाया लक्ष्मी के चरणार बिंदों में और इस जगत के पालनहार अपने अपने गुरुजनों को नमन करते हुए, वंदन करते हुए अपने जीवन को साकार करें।